नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप लोग कवर्धा में फेमस स्थान जैसे कि भोरमदेव मंदिर, सरोदा डैम और क्षीरपानी डैम और कवर्धा की विशेष मंदिरों को भी घूम चुके होंगे, लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ की प्रकृति की हसीन वादियों में बसे एक ऐसे प्लेस तक ले जाऊंगा आप लोगों को, जहां पर आपका मन उस जगह को जानने के लिए ललायित हो उठेगा। धर्म ग्रंथ की बातों से लेकर धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन काल में मिले अवशेषों और पुरानी मूर्तियां, नक्काशियां, जो कहीं ना कहीं प्राचीन काल के राजाओं, कलाकृतियों और उनके होने का एहसास हमें दिलाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रकृति की गोद में बसे पचराही की मनमोहक वादियों में। तो सफ़र हमारा पांडा दरी से शुरू होता है और सफ़र जारी है। आज मैं जिस क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, शायद उससे आप परिचित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कवर्धा से 30 किलोमीटर के एक क्षेत्र पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है पचराही। पचराही एक छोटा सा गांव है जो जंगलों के वादियों से घिरा हुआ है। यह गांव काफ़ी फेमस है क्योंकि आज जिस क्षेत्र के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा, वह क्षेत्र है जहां कभी राजा निवास करते थे और शासन करते थे। शासन के साथ साथ उनके कई अवशेष मिले हैं जिसको आप डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ उससे परिचय होंगे। क्यों यह है पचराही का प्रवेश द्वार। यहाँ पर मंदिरें भी दिखाई दे रही है। इस जगह में यज्ञ जैसी विभिन्न धार्मिक क्रियाएं होती है जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है। आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस जगह यानी कि पचराही की क्या खास बात है। प्यारे दोस्तों, हम लोग आपको पचराही घुमा रहे हैं। पचराही में एक ऐसा ही स्थान है जिसको अभी घूमने जा रहे हैं। वो स्थान है, एक तालाब है जहाँ तालाब के चारों ओर एक मंदिर है। मंदिर के बगल में ही एक कुंड पाया गया है जिसमें बहुत ही गड्ढा है और हरी हरी घास यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। और अधिकतर यमुना यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं आसपास के इलाके में, लेकिन और मनोरंजन के साधन के तौर पर यहाँ के घूमते हैं और सैलानी भी पास में आते हैं। और यहाँ कभी कभी मार्केट भी लगता है। मार्केट के साथ साथ दशहरा मेले का आयोजन भी किया जाता है, खास करके सावन के दिनों में बहुत ही माहौल ऐसा बन जाता है कि यहाँ लोग सैलानी आने के लिए रंग जाते हैं और हरी हरी वादियों को देखकर मोहित हो जाते हैं। ये है शिवघाट। पचराही का यह स्थान शिवघाट के नाम से जाना जाता है। मंदिरों के सेवक यहीं रहते हैं और यहीं से शुरू होते हैं प्राचीन काल के कलाकृतियों का साक्ष्य, जो इस वीडियो में आपको आगे जानने को मिलेगा। दोस्तों, जिस क्षेत्र के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते थे उसको आइए हम आपको धीरे धीरे तरीके से दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ भोलेनाथ जी का एक छोटा सा प्रतिमा है जिसे आप जाकर देखेंगे। अंदर में एक काला पत्थर का मूर्ति है। उस मूर्ति को आप देखेंगे तो अचंभित रह जाएंगे क्योंकि ये मूर्ति बहुत ही काफी पुराना है। यहाँ शायद पहले राजा महाराजा लोग निवास करते थे और शासन भी करते थे। आइए सीढ़ी से हम चढ़ते हैं। सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको सीधा भोलेनाथ जी का मूर्ति दिख जाएगा। आप सामने में मेरे देख ही रहेंगे कि भोलेनाथ जी का एक मूर्ति रखा हुआ है। भोलेनाथ जी का ये काफी बहुत पुराना मूर्ति है। आइए आपको बातचीत से इस जगह में बनी प्राचीन कलाकृतियाँ निश्चित ही प्राचीन राजाओं के होने का एहसास दिलाते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ कलचूरी वंश का शासन था। नक्काशियाँ, विविध शैलचित्र और ये कलाकृतियाँ इस जगह के बारे में और जानने को हमें ललायित करती हैं और लोग उमड़ जाते हैं इस जगह के बारे में जानने के लिए। हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 8th में, 8वीं कक्षा में, इनका एक पाठ्यक्रम था छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की तरफ से, उसमें हमें पढ़ने को मिलता था ये पचराही के बारे में। यहीं पर कुछ थोड़ी ही दूर पर पचराही का संग्रहालय है जहां पर खुदाई से मिले मूर्तियों के अवशेषों को रखा गया है। आज सोमवार है इसलिए संग्रहालय बंद है।
यहीं पर धर्मशाला की व्यवस्था भी है और साथ ही साथ सार्वजनिक शौचालय की भी व्यवस्था है। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पचराही घूमा, आपको लगा होगा कि पचराही अच्छा है। पचराही से एक लगा हुआ ही क्षेत्र है जिसे भगवान पासारोनाथ का क्षेत्र बोलते हैं। भगवान पासारोनाथ यहाँ आए और निवास किए और यहाँ अपना प्रवचन दिए। इसका पूरा डिटेल आपको इस झांकी में अगले वाले वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। हमारे गैलरी को आप देख सकते हैं क्योंकि ये पासरवाही नाथ का है। एक झलक आपको दिखा देता हूँ।